मैं अब इस सफर को शुरू करना चाहता हूं, बाकायदा गजल के हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। आइए मोहब्बतों के इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे भी हमने शेर यूं भी कहे हैं कि आज जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। हमने शेर ऐसे भी कहे हैं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। और नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात तो अब आ रही है, और तुम्हारे मतलब की बात यह है कि मियां इस दौर में अब यह हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हां मोहब्बत कौन करता है। मियां इस दौर में अब यह हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हां मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं और पहले शायर से मुलाकात करते हैं। मैं पहले शायर को बुला रहा हूं और आपको ये आगाह करते हुए बुला रहा हूं कि ये मत समझिएगा कि मैंने पहले शायर को बुलाया है तो इसका मतलब वो हल्का शायर होगा। मुशायरे का नाजिम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है, उस खिलाड़ी को सबसे पहले भेजता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मैं जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं हूं जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ूं और भट्टी में डाल दूं। इसका मतलब यह है कि पहले शायर को आपको पूरी तवज्जो से सुनना है और मुशायरे का भरपूर आगाज होना चाहिए। आइए एक नौजवान को आवाज देता हूं, आजमगढ़ से हमारे बीच में यहां तशरीफ लाए हैं भाई साकिब आजमी, मुतरन्नम लबो लहजे के शायर हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में नौजवानों के दिलों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर आएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब साकिब आजमी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकरमी सामईन कराम, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे मोहतरम मकाम आली जनाब साण बनारसी साहब और कन्वीनर मुशायरा दमदार बनारसी साहब और नाजिम मुशायरा मोहतरम मकाम नदीम फर्रुख साहब। भाई हमारे मोहल्ले की बंद क्यों कर दी, इसको खोलिए, आप कहाँ है, हमें गर्मी गर्मी नहीं लगती भाई। ये सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। बराबर हो रही जी, पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। आइए हाजरीन, बिला किसी तमहीद के सदरे मुशायरा से इजाजत चाहते हुए मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ गजल का मतला, हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा। अदाना शबाब अच्छा नहीं लगता, अदाओं नाज से खाली शबाब अच्छा नहीं लगता, अदाओं नाज से खाली शबाब अच्छा नहीं लगता, अदाओं नाज़
शबाबा अच्छा नहीं लगता, निकल जाती है जब खुशबू, गुलाब अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह, भाई क्या कहना, वाह। निकल जाती है जब खुशबू, गुलाब अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगा आप तमाम हजरात को, अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए ऐसा मालूम। बहुत शुक्रिया जी। शेर हाजिर करता हूँ, मुलादा करें। पढ़िए भाई। कि गहन में जिस तरह से माहताब अच्छा नहीं लगता, गहन में जिस तरह से माहताब अच्छा नहीं लगता, गहन में जिस तरह से माहताब अच्छा नहीं लगता, रुखे रोशन पे ये काला निकाब अच्छा नहीं लगता, रुखे रोशन पे ये काला निकाब अच्छा नहीं लगता, अदाओं नाज से खाली शबाब अच्छा नहीं लगता, अदाओं नाज से खाली शबाब अच्छा नहीं लगता, निकल जाती है जब खुशबू, गुलाब अच्छा नहीं लगता। क्या कहना, क्या कहना, वाह। मैं गजल का मतला जी हाजिर करता हूं, मुलाहजा कीजिएगा। पढ़िए भाई। आ कर दे शमा रोशन तू रात की रानी है, आकर दे समा रोशन तू रात की रानी है, तू रात की रानी है, आकर दे समा रोशन, आकर दे समा रोशन तू रात की रानी है, मदहोश इधर मैं हूँ तुझ पर भी जवानी है, मदहोश इधर मैं हूँ तुझ पर भी जवानी है। और ये भी शेर बतौर खास कि कुछ दिल की कहें दोनों सांसों में बसे सांसे, स्टेज से भी पूरी तवज्जो चाहूंगा। कुछ दिल की कहें दोनों सांसों में बसे सांसे, सांसों में बसे सांसे, कुछ दिल की कहें दोनों, कुछ दिल की कहें दोनों सांसों में बसे सांसे, मौसम भी सुहाना है ये रुत भी सुहानी है, मौसम भी सुहाना है ये रुत भी सुहानी है, आकर दे शमा रोशन तू रात की रानी है, मदहोश इधर मैं हूँ तुझ पर भी जवानी है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास इरशाद, कि अब दूर करो खफगी मिल जाए गले दोनों, अब दूर करो खफगी मिल जाए गले दोनों, अब दूर करो खफगी मिल जाए गले दोनों, मिल जाए गले दोनों,
اب دور کرو خفگی، اب دور کرو خفگی، مل جائے گلے دونوں، للہ نہ تم چھیڑو جو بات پرانی ہے، جو بات پرانی ہے، اظہار تمنا پر کیا کہنا، واہ، اقرار نہ کیوں سمجھوں، اظہار تمنا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں، اظہار تمنا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں، اقرار نہ کیوں سمجھوں، اظہار تمنا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں، چہرے سے آیا ہے تو آنکھوں کی زبانی ہے، چہرے سے آیا ہے تو آنکھوں کی زبانی ہے۔ اور مکتے کا بھی شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، ارشاد، اس دل پہ جو گزری ہے ثاقب نے سنایا ہے، ثاقب نے سنایا ہے، اس دل پہ جو گزری ہے ثاقب نے سنایا ہے، اس دل پہ جو گزری ہے ثاقب نے سنایا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ میری کہانی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ میری کہانی ہے۔ یوں ثاقب اعظمی آپ کی عدالت میں اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور آپ کی دعائیں حاصل کر کے اور اس مشاعرے اور کوی سمیلن کا خوبصورت آغاز کر کے ثاقب اعظمی رخصت ہوئے، میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگلے شاعر یا کوی سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔